जंगल जिसमें हर पल खतरनाक जानवर घात लगाए बैठे रहते हैं, जहां बस सभी जानवरों का एक ही मकसद होता है, अपने समुदाय को बचाते हुए सर्वाइवल करते रहना। जब बात खतरनाक जानवर की आती है तो शेर, चीता, हाथी जैसे बड़े जानवर दिमाग में आते हैं। बात सही भी है, जो जितना ताकतवर होता है राज भी उसी का ही चलता है। पर क्या आप जानते हैं हनी बैजर नाम का एक जानवर ऐसा भी है जिस पर हमला करने से पहले ये जानवर भी कतराते हैं? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में हनी बैजर के बारे में जानेंगे, आखिर क्यों हर जानवर इस जानवर से दूरी बनाकर रखता है। हे एवरीवन, दिस इज स्वतंत्र, वेलकम टू माय फैक्टोनिक चैनल, लेट्स बिगिन। बैजर की 11 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें यूरेशियन बैजर, अमेरिकन बैजर और हनी बैजर भी शामिल है। ये सामान्यतः 10 से 15 किलोग्राम के होते हैं और आकार में 3 फीट तक लंबे होते हैं। हनी बैजर दिखने में नेवले और भालू का मिलाजुला रूप नजर आता है। हनी बैजर को दुनिया के सबसे खूंखार, फियरलेस और चालाक जानवर में से एक माना जाता है। ये जानवर किसी भी जानवर से नहीं डरता है, चाहे भले ही जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर ही क्यों ना हो, शेर भी इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। इसे शिकारी जानवरों से इसके शरीर की मोटी चमड़ी बचाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार किस्मत इसका साथ देती है, कभी कभी खुद भी दूसरे जानवरों का शिकार बन जाता है। ये चमगादड़, क्वाला और पांडा की तरह रात में अधिक आक्रामक हो जाते हैं। ये जानवर सर्वाहारी होते हैं, जो अपने आहार में फल, फूल, पौधे, गिलहरी, चूहा, सांप और खरगोश जैसे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि कछुए के फूल को भी तोड़ देता है और उसे मारकर खा जाता है। और कभी कभी ये इंसानों की कब्र खोदकर इंसानी मुर्दे तक को खा जाता है। हनी बैजर के नाखून काफ़ी मजबूत होते हैं, जो इसकी बड़ी से बड़ी सुरंग खोदने में मदद करते हैं। बैजर कभी खुद का घर नहीं बनाते हैं, ये सियार लोमड़ी को उनके खुद के घर से निकालकर उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं। भेड़िया और भालू, जो इसके प्राकृतिक दुश्मन रहे हैं, जो इसका शिकार करते रहते हैं, इसकी मोटी चमड़ी भी जानवरों से तो बचा लेती है लेकिन इंसानों से नहीं बचा सकती। इसकी चमड़ी महंगी कीमत होने की वजह से लोग इसका शिकार करते हैं, इसीलिए ये प्रजाति आज संकट में है।